हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मेगा कंपैरिजन करने जा रहे हैं एच पी ओमेन 15 वर्सेस लेनोवो लीजिंग 5 वर्सेस असूस टफ A15। इन तीनों लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस आसपास सेम ही है, किसी में प्रोसेसर अच्छा दिया हुआ है तो किसी में ग्राफिक कार्ड अच्छा दिया है। ये वीडियो दूसरे वीडियो से बहुत अलग होने वाला है क्योंकि मैं इसमें आपको तीनों लैपटॉप का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मेरा बताने वाला हूँ और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ कि इन तीनों में से आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए आपके यूज़ को ध्यान में रखते हुए। मैं हूँ आपको उस्टो दोस्त टेक्नोग्राफर, तो चलिए रिलायंस स्टोर में चलते हैं इनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन। स्क्रीन की बात करें तो इन तीनों लैपटॉप में आपको 15.6 इंच की फुल एचडी एंटी ग्लेयर आईपीएस डिस्प्ले मिल जाती है। इन तीनों लैपटॉप में आपको नियरली 45% एनटीएससी कलर गैमेट मिल जाता है। एचपी में आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जहां कि लेनोवो लीजिंग में आपको 120 हर्ट्ज का और असूस टफ A15 में आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जो कि आपको गेमिंग में बेटर और स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। इन तीनों का डिस्प्ले आपको आसपास सेम ही क्वालिटी का मिलेगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखा मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो मुझे पर्सनली Asus TUF A15 की बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगी क्योंकि वो बहुत ही रफ एंड टफ यूज के लिए बना हुआ है। जहाँ की HP Omen की बात करें तो उसमें आपको नीचे पूरी मेटल बॉडी मिल जाती है और ऊपर आपको फाइबर बॉडी मिल जाती है। स्क्रीन में आपको थोड़ी सी फ्लेक्स की प्रॉब्लम मिल जाएंगी, तो मुझे उतना वो पसंद नहीं आया उधर HP Omen की कॉस्ट कटिंग। और लेनोवो लीजिंग की बात करें तो मैंने जितने भी रिसर्च की है तो उसकी बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत तगड़ी मिल जाती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो HP Omen 15 में आपको Ryzen 5 4600H मिलता है और इसी प्राइस सेगमेंट में आपको लेनोवो लीजिंग 5 और Asus TUF A15 में Ryzen 7 4800H मिलता है, जो कि एक क्रेजी डील है। इस प्राइस सेगमेंट में आपको Ryzen 7 मिल रहा है। Ryzen 5 4600 में आपको 6 कोर और 8 थ्रेड का सपोर्ट मिलता है और Ryzen 7 4800H में आपको 8 कोर्स और 16 थ्रेड का सपोर्ट मिलता है। आप Ryzen 5 4600H को यहाँ पे कम मत समझो, वो i7 10 जनरेशन के लेवल का प्रोसेसर है। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो एक गेमिंग लैपटॉप उसके ग्राफिक कार्ड से जाना जाता है। लेनोवो लीजिंग 5 और Asus TUF A15 में आपको NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti मिलता है, जो कि एक एंट्री लेवल ग्राफिक कार्ड आप बोल सकते हो। पर बात करें HP Omen 15 की तो उसमें आपको NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है इस प्राइस सेगमेंट में। HP Omen 15 का ग्राफिक कार्ड आपको 40% ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल के देगा एज कम्पेयर टू लेनोवो लीजिंग 5 और Asus TUF A15 का ग्राफिक कार्ड से। HP Omen 15 का ग्राफिक कार्ड आपको नेक्स्ट 2-3 इयर्स के AAA टाइटल्स आराम से चला देगा अच्छी क्वालिटी पे, जो कि इसे फ्यूचर प्रूफ बनाती है। स्टोरेज और मेमोरी की बात करें तो इन तीनों लैपटॉप में आपको 8GB रैम 3200 MHz की मिलती है। HP Omen 15 और लेनोवो लीजिंग 5 में कंपनी ऐसे क्लेम करती है कि आप सिर्फ 16GB तक रैम एक्सपांड कर सकते हो, पर मैंने फोरम्स पे चेक किया तो उसमें बहुत सारे लोगों ने इन दोनों लैपटॉप की रैम 32GB तक एक्सपांड की है और उनके लैपटॉप अच्छे खासे परफॉर्म कर रहे हैं। बात करें Asus TUF A15 की तो वो पहले से ही 32GB तक एक्सपांडेबल हो सकता है। स्टोरेज की बात करें तो HP Omen 15 में आपको 512GB 3rd Gen PCIe SSD मिलती है। लेनोवो लीजिंग 5 में और Asus TUF A15 में आपको 1TB हार्ड डिस्क मिलती है और प्लस 256GB SSD मिलती है, जिसमें आप ज़्यादा कचरा सेव कर सकते हो। अभी बात करेंगे थर्मल्स और कूलिंग सिस्टम की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है किसी भी लैपटॉप की। इन तीनों लैपटॉप में से सबसे अच्छा थर्मल सिस्टम आपको लेनोवो लीजिंग 5 में मिलेगा, फिर उससे स्लाइटली लोअर आपको HP Omen 15 में का दिखाई देता है। और सबसे बेकार थर्मल की बात करें तो Asus TUF A15 में आपको मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत ही गर्म चलता है। आपको स्क्रीन पर CPU और GPU के टेम्परेचर्स दिखाई दे रहे होंगे, इनमें से सबसे ठंडा आपको लेनोवो लीजिंग 5 दिख रहा होगा और सबसे गर्म आप बोल सकते हो Asus TUF A15 ही है। Asus TUF A15 इतना गर्म चलने के बाद भी उसकी परफॉर्मेंस खोता नहीं है, पर बाद में कुछ सालों में वो खो सकता है।
पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो इन तीनों लैपटॉप में आपको सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं जो कि एक नॉर्मल लैपटॉप में होने चाहिए। वैसे आप इन्हें पॉज करके पढ़ सकते हो। कनेक्टिविटी की बात करें तो HP Omen 15 में और Lenovo Legion 5 में आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिलता है, वही आपको Asus TUF A15 में आपको Wi-Fi 5 का सपोर्ट मिलता है। ब्लूटूथ की बात करें तो इन तीनों लैपटॉप में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट मिलता है। बैटरी की बात करें तो Asus TUF A15 में आपको सबसे कम बैटरी मिलती है और HP Omen 15 में आपको सबसे ज्यादा बैटरी मिलती है। HP Omen 15 में आपको 70.9 वाट आवर की बैटरी मिलती है, वही आपको Lenovo Legion 5 में 60 वाट आवर की बैटरी मिलती है और Asus TUF A15 में आपको 48 वाट आवर की बैटरी मिलती है। पावर ब्रिक की बात करें तो HP Omen 15 में आपको 200 वाट की पावर ब्रिक मिलती है और Asus TUF A15 में आपको 150 वाट की पावर ब्रिक मिलती है। Lenovo Legion 5 का मुझे कहीं पे दिखा नहीं कि कितने वाट का पावर सप्लाई आता है उसके साथ। तो सो लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल कंक्लूजन, इन तीनों लैपटॉप में से आपने कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। अगर आप एक गेमर हो और आप एक गेमिंग लैपटॉप के लिए देख रहे हो तो जो अगले 2-3 साल के लिए अच्छी गेमिंग आपको करवा ले तो आपने HP Omen 15 के पास ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें एक बहुत ही अच्छा और तगड़ा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है और उसके प्रोसेसर की बात करें तो वो कुछ कम नहीं है। वो भी i7 10th जनरेशन के लेवल का प्रोसेसर है, Ryzen 5 4600H, जो उसका पूरा साथ निभाएगा गेम खेलते समय और वो आपको ज़्यादा FPS निकाल के देगा एज कम्पेयर टू Lenovo Legion 5 और Asus TUF A15 से। अगर आपको बहुत भारी मल्टीटास्किंग करनी हो या भारी भारी सॉफ्टवेयर यूज़ करने हो जिसके लिए बहुत प्रोसेसिंग पावर लगती हो, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, माया हो गया, उसके लिए बहुत प्रोसेसिंग पावर लगती है, तो आप Ryzen 7 के पास देख सकते हो। Lenovo Legion 5 या Asus TUF A15 आप दोनों लैपटॉप के पास देख सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप थोड़े से ज़्यादा पैसे डाल के आपने Lenovo Legion 5 लेना चाहिए, क्योंकि उसके थर्मल्स अच्छे हैं। विद टाइम आपको Asus TUF A15 की परफॉर्मेंस डिक्रीज होते हुए देखेगी। सो दिस वॉज इट दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। अगर आपके दोस्त लैपटॉप ले रहे हो तो प्लीज़ सजेस्ट करो ये वीडियो उन लोगों को, शेयर करो उन लोगों के साथ। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।